आर्य भगवंत। अरिहंताना नमो अरिहंता घबराओ ना दुख से जी, जीवन सुख दुख घबराओ ना दुख से जीवन सुख दुख तामिलाए। शरणाले लो अरिहंतों का, शरणाले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सिमरण की वे है। अरिहंता नमो अरिहंताण, अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण, नमो 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 अरिहंताण। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर वर्त क्षेत्र पर पड़ रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग पुत्रानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वनुनंग सौदर्शिनंग, प्रभु स्वयं तिर चुके हैं औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं औरों को बोधि दे रहे हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते, ऐसे प्रभु की वाणी को प्रभु के ज्ञान को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर पंचम काल में जो महावीर का संग, महावीर का धर्म, महावीर की साधना है, महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना आज भी हमारे पास है। उस वाणी से, उनके ज्ञान से, उनकी साधना, क्षमा, मैत्री से हम भी संसार सागर से पार हो सकते। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, अनंत सिद्धों में विलीन हो गए, अपना कार्य सिद्ध कर लिया, हमें भी अपना कार्य सिद्ध करना। कैसे हम कार्य को सिद्ध कर पाएंगे, चिंतन करें, विचार करें, प्रभु को अनंत अनंत नमन प्रार्थना मैत्री क्षमा को नमन। आज चतुर्मास पूर्ण होने जा रहा है, पांच मास का चतुर्मास जो आप सब ने यहाँ या दूर दूर से ऑनलाइन पर प्रवचन का लाभ लिया, भगवान की वाणी सुनी, शुभ मुनि ने अंतगढ़ सूत्र की वांछना दी, समेत मुनि ने कल्प सूत्र की वांछना दी, फिर शुभ मुनि ने उत्तरकरण सूत्र की वांछना, श्रीष्ठ मुनि के तत्वार्थ सूत्र पर और भी प्रवचन आप सुनते रहे। आज हमें
स्व अवलोकन करना है कि पांच माह में मैंने भगवान की वाणी सुनते हुए कहां कहां मेरे द्वारा मनसा वाचा कर्मणा प्रभु की वाणी का पालन नहीं हुआ और निश्चय धर्म में जो जड़ और जीव का भेद करना चाहिए वो भेद नहीं कर पाए, सब में जीव नहीं देख पाए और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल पाए, आप आज के दिन अंतःकरण से आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित का दिन है। तत्वार सूत्र के माध्यम से श्री शिवमुनि जी ने तत्व की चर्चा की, जड़ और जीव दो तत्व हैं, उसका विस्तार नौ तत्व है, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। और मोक्ष कौन जाता है? जीव। जीव का लक्ष्य क्या है? मोक्ष। और हम जीव ने अनंत काल तक मैंने और आपने भ्रमण किया, क्यों किया? क्या कभी विचार आया? मैं नरकों में गया, पशु पक्षी बना, मनुष्य बना, देव बना, क्या किया? मृगापुत्र का अध्ययन आपने सुना होगा कि मृगापुत्र माँ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, नाम तो बलश्री था पर पुराने जमाने में माता पिता के नाम पर वो नाम पड़ गया, मृगापुत्र, मृगावती का पुत्र मृगापुत्र। अपने महल के झरोखों में बैठा, अपनी पत्नियों के साथ आमोद प्रमोद के सौदन में लीन, कोई कमी नहीं थी, राजा का बेटा था, राजकुमार था, धन संपत्ति ऐश्वर्य पूर्ण था। एक झरोखे में बैठते हुए एक साधु को देखा, एक साधु को देखते देखते अनिमेश दृष्टि से साधु को देखता 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 देखता, इस साधु को मैंने पहले भी कहीं देखा था, इसके वेश को मैंने देखा कि मैं भी साधु बना था। कहते हैं वो देखते देखते जाति समण ज्ञान हो गया, जाति समण ज्ञान हो गया तो सारा जन्मों का ज्ञान हो गया कि मैं पहले क्या था। अच्छा, मैं पशु बना, मनुष्य बना, देव भी बना और नरकों में भी मैं गया, सारा कुछ दृश्य सामने आ गया। किसी का वैराग्य नहीं लगा, स्वबोधित हुआ, नीचे माँ के चरणों में पिता के पास आ गया, माँ मैं दीक्षा लेनी। माँ ने कहा, बेटे दीक्षा आसान काम नहीं है, तू नाजों में पला है, तेरे पास सारी सुख सुविधा के साधन है, दीक्षा बहुत संवाद होता है, आपने सुना है, लंबा विवाद चलता है, संवाद चलता है। माता ने बहुत समझाया, मृगापुत्र ने कहा, माँ साधु की वेदना तो कुछ भी नहीं, मैं नरकों में पीड़ा गया, जलाया गया, फाड़ा गया, कुंभी से जब मैं कुंभी में जन्म लिया तो कुंभी इतनी संकुड़ी होती है, आरे लगे होते हैं, मैं निकल नहीं पता, परमा धर्मी देवों ने मुझे खींचा, जलनी जलनी मेरा शरीर हो गया, कोई बचाने वाला नहीं था, मैं बाहर आया, मुझे हर प्रकार के कष्ट दिए, पानी मांगा तो पानी नहीं, बहुत कष्ट सहन किए, माँ ये तो कुछ भी रख लेंगे, मैं दीक्षा लूंगा। फिर माँ ने समझाया, तो दीक्षा लेगा, रोग आ गया तो क्या करेगा? तूने कहा, माँ जंगल में पशु पक्षी रहते हैं, मृग रहते हैं, बीमार हो जाते हैं, क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। रोग आ गया तो शांत होकर के वृक्ष के नीचे अलग बैठ जाते हैं,
पानी में चले जाती, पी लेते हैं, रोग ठीक हो जाता है, घास खाने लग जाते। ऐसे मुझे भी हो गए तो क्या हो। तो बहुत कुछ कहने के बाद दीक्षा ली, उच्च कोटि का संयम पाला और मोक्ष में चले। तो आज पंचम काल है, हमें वैराग्य नहीं आता, हम शमशान में भी चले जाते हैं, अपना सगा होता है दुआंसु बहा के वापस आ जाते हैं, कोई किसी के लिए रोता नहीं, अपनी ही बात पे रोना आता है, वापस आके काम धंधे में लग जाते। और कोई मरा है तो कहते हैं वो मरा है, मैं तो नहीं मरा, अपने को अलग कर लेते हैं। तो जीवन की बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। हम सोचे इस जीवन में, इस जीवन में अनंत जन्मों में पता नहीं किस किस जोनी में मैंने और आपने क्या क्या पाप किए। हम पशु बने, पक्षी बने, मांसाहारी पशु पक्षी बने, क्या खाया, शिकार खेला, मांस खाया, नरकों में गए, मनुष्य बने, कितना अत्याचार किया। तो संसार का मूल कारण क्या है? आचार्य भद्रभाव से पूछा, संसारस्य मूलम कम्मं तस्यन्ति कसाया। संसार का मूल है कर्म और कर्म का मूल है क्षय। जब तक कर्म है शरीर है, सिद्धों के कर्म नहीं ना काया नहीं, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो हमने अपने जीवन में जो कर्म लगे हैं, अनंत कर्म वर्गनाएं जीव पर है, हमें दिखाई नहीं देती, केवल ज्ञानी जान सकते, हमें पता नहीं लगता। वो कर्म बढ़ते चले जा रहे हैं, क्यों बढ़ते चले जाते? कुश आए, कश आए, जो आपकी आत्मा को कसती है, छलनी छलनी कर देते। कश आए, कश संसार की आमदनी को बढ़ाती, और वो है चार, क्रोध मान माया और लोभ। तो देखिए कितना क्रोध, कितना मान, कितना माया, कितना लोभ मैंने किया और आपने किया। क्रोध मान माया लोभ को छोटा कर दे तो राग और देश, रागो या दो सो बी या कम बी अंग कमंग च मोह पभवंग बेअंती कमंग जाई मरनस मूलंग दुखंग जाई मरनंग बेअंती। राग और द्वेष कर्म का बीज है, संसार का भी। राग अटैचमेंट, द्वेष भूत के समान, जिससे द्वेष हो जाता है, हम घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, उसको बड़ा भोला कहते हैं, जिससे राग उसको अपना मान लेते हैं। आपको राग किस पर होता है, द्वेष किस पर होता है, बोलो। कितना जीवन, छोटा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जन्म ही लिया है, कैसे माँ से राग करता है, एक खिलौने से राग करता है, एक टॉफी मिल जाती है वो देता ही नहीं, अपने पास रखना चाहता है और लेना चाहता है, और जो उसकी बात नहीं सुनता वो गुस्से होता है, माँ को चप्पड़ लगा देता है। तो राग और द्वेष दो कर्म का बीज है, कर्म का बीज है मोह, मोह से कर्म उत्पन्न होता है और संसार बढ़ता चला जाता है। तो हम कैसे इस मोह को कम, संसार का मूल कारण क्या है, क्या कारण है, बोलो क्या कारण है? कर्म और मूल कारण क्या है, और गहरे जाओ। मिथ्यात्व और मोह, मिथ्यात्व, हम अनादिकाल से मिथ्यात्म, मिथ्यात्व का मतलब क्या है, शरीर को अपना मान लेना, जिस गति जिस योनि में गए, चाहे पशु योनि में गए, देव योनि में गए, मनुष्य बने, एकेंद्री बेंद्री त्रेंद्री चिरेंद्री पचेंद्री, जिस गति जिस योनि या नरक में भी गए, तो उससे उसको अपना माना और उससे मोह किया। और सबसे बड़ा है
मिथ्यात्व को तोड़ना कि देह तुम्हारा है ही नहीं, देह को पराया जानो, देह को अपना मानो ही ना। पर हम कितना देह को अपना मानते हैं, जिसके पास ज्यादा सुविधा है वो बड़े बड़े बंगले बनाता है, सजाता है, बड़ी गाड़ी रखता है, विदेशों में जाते हैं, घूमते हैं, बाहर के होटल का खाना खाते हैं, मित्र बनाते हैं, ये सब देह के पोषण। जितना देह का पोषण करोगे उतने कर्म का बंधन है भाई। गरीब लोग जो किसान लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनको कितना दिहाड़ी में मिलता है, 8-9 रुपए की दिहाड़ी होती है, उसका परिवार भी होता है, उसका पालन पोषण भी करते हैं, और 1-2 कपड़े होते हैं, खाना कैसे मोटा खाना होता है, और रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी होती है, कोई रहने का ठिकाना भी नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि मिथ्यात्व को दूर करने के लिए देह का जो आकर्षण है वो तोड़ो। देह का आकर्षण तोड़ने के लिए भगवान ने 12 प्रकार के तप कहे, अनशन अनोदरी भिक्षे चरितस प्रत्याग काया क्लेश प्रतिष्ठा प्राय चित विनय स्वाध्याय ध्यान और कौशल। इससे आपका मिथ्यात्व और मोह टूटता है। फिर आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो कि क्यों मैं इतना मोह में मिथ्यात्व में जा रहा हूं, हमने कितना क्रोध किया, मान किया, माया की, क्रोध की। भगवान से पूछा, प्रभु क्रोध क्यों होता है? वो विजयनंग भंते जीवे किम जनय, क्रोध के जीतने से जीव को क्या लाभ होता है? क्रोध पर विजय प्राप्त करने क्षमा गुण की प्राप्ति होती है। क्रोध जन्य कर्मों का बंधन नहीं करता, पूर्व बंद कर्मों की निजरा कर देता। क्रोध क्या है? एक मन का आवेग है जो आत्मा का स्वभाव से विभाव में जाना। क्रोध एक ऐसा आवेग है जो मनुष्य को बहा ले जाता। देखो, जब भी आपके जीवन में क्रोध आया तो क्या हो गया? आंखें लाल हो जाती हैं, चिरा तम तम आने लग जाती है, दांत फटकने लग जाते हैं, सारा शरीर कांपने लग जाता है, कुछ होश नहीं रहता, मुझे करना क्या नहीं करना। और क्रोध में आकर दूसरे को उठा के फेंक देता है, खिड़की तोड़ देता है, पत्थर मार देता है, जो हाथ में आए वो मार देता है, कुछ पता नहीं लगता। और क्रोध क्यों करते हैं वो लोग? क्रोध क्यों? सबको भी क्रोध आता है, मुझे भी आता है, आपको भी आता है। पर क्रोध आता है तो संभलो, देखो क्यों क्रोध आता है। जो मनुष्य शिकार खेलते हैं, शराब पीते हैं, नशा पता करते हैं, उनको बहुत क्रोध आता है। शराब के नशे में आकर के घर में पत्नी को पीट देते हैं, सबको बड़ा भोला कहते हैं और अपनी गलती मानते नहीं। तो क्रोध एक ऐसा आवेग है जो हृदय तक धारण कर लेते हैं। क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं, विभाव है। क्रोध समस्त अनर्थों का मूल है, संसार को बहाने वाला है, धर्म को अक्षय करने वाला है। क्रोध को त्याग करना चाहिए। क्रोध हृदय को, मन को कलुषित करता है। क्रोध की अवस्था में व्यक्ति भूल जाता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, कुछ देख नहीं पाता। और मदरा के मंदान व्यक्ति जैसे जो शराब पीता है तो नशे में आ जाता है, ऐसे व्यक्ति क्रोध की वेला में सच्चाई से शून्य की हो जाता है। भगवान से पूछा, कोह पियंग पना से, क्रोध प्रीति का नाश करता है। कोहम विसंग, क्रोध विषय है, प्रेम अमृत है। क्रोध रूपी विष को अमृत रूपी प्रेम से नष्ट कर देता है। क्रोध कितना भयानक होता है, आपने वो कहानी सुनी है, चंड कौशिक सर्प की। एक गुरु और शिष्य, गुरु बहुत शांत स्वभाव का था, चेहरा बड़ा उदंडी, बात बात पर गुरु की गलती निकालता रहता। और गुरु और दोनों विहार कर रहे, बरसात का मौसम था, मेंढकी मर गई या मरी हुई थी, मृत कलेवर था, गुरु का पांव आ गया,
चीला दंडी था, गुरु जी तुम्हारे पाँव में आकर के मेंढक मर गया है, प्रायश्चित करो, आलोचना करो। गुरु ने कहा भाई ये मेंढक पहले मरी हुई है, मैंने मारी नहीं है। नहीं गुरु जी आपसे मरी है। अब बार बार उसको उत्तेजित करता है, शाम का समय हुआ, प्रतिक्रमण का समय हुआ, गुरु जी आलोचना कर लेना, मेंढक की मरी है तुम्हारे से, प्रायश्चित लो, आलोचना करो। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, गुरु को आया गुस्सा, ये सुनता ही नहीं मेरी बात को। शांत स्वभाव ही थे, क्रोधी शिष्य शांत स्वभाव के गुरु को भी उत्तेजित कर देते, उत्तेजित कर देते। गुरु ने उठाया अपना रजहरण, लगा उसको मार, अंधेरा था, लाइट होती नहीं थी स्थानकों के अंदर जहाँ ठहरते थे, अंधेरा था। और जैसा मारने लगा वो तो भाग गया, और खंभा था, खंभे पे सिर टकराया और खून बहने लगा, और वही गुरु की। उस समय बहुत गुरु शांत थे, परंतु क्रोध के आवेश में आकर के, इतना क्रोध तुम खत्म कर देना, ये सुनता ही नहीं मेरी बात को, बार बार मुझे दंडित करता है, अपमानित करता है। कहते हैं कि शांत गुरु को भी वो शिष्य ने अशांत कर दिया, और मृत्यु के समय जैसा विचार होता है वैसा आचार होता है। बहुत भयानक क्रोध था। वही गुरु मर करके क्या बना, चंड कौशिक, चंड इसका स्वभाव, ऐसा सर्प बना जो विषधर था, विषी विष उगलता था, चारों ओर से फुकार मारता था, पत्ते सूख जाते थे, कोई पास में आने को तैयार नहीं होता था। क्रोध पहले जन्म का, संप बना, फिर क्रोध, कोई आता डसता है, मारता है, कोई मनुष्य कोई पशु पक्षी पास में आता उसको डसता है, भयंकर क्रोध वाला चंड कौशिक। तो आपने देखा होगा सर्प कैसे फुंकार करके वो ऐसे था। भगवान महावीर उधर से गुजर रहे, लोगों ने कहा इधर मत जाना प्रभु, ऐसा चंड कौशिक भयंकर सर्प है, डस लेगा, मार देगा। भगवान तो भगवान है, सबका भला चाहते हैं, उसी रास्ते पे आ जाते हैं, सामने खड़े हो जाते। चंड कौशिक ने देखा ऐसा भयंकर, कौन मनुष्य मेरे सामने आके खड़ा हो गया। निकला बांबी से, देखा विश्वमिश्र दृष्टि से देखा, फुंकार मारा, भगवान शांत रहे। फिर कहते हैं पांव में लिफ्ट करके डंक मारा, बाएं बांह में डंक जब मारा तो भगवान के अंगूठे से दूध की धारा निकली। दूध की धारा देख करके वो हैरान रह गया, ऐसा कौन था। भगवान फिर भी शांत रहे, उपदेश देते हुए जागो कौशिक, चंड कौशिक, बुद्ध बुद्ध चंड कौशिक, दो शब्द कहे थे भगवान, दो शब्द भगवान के उसके लिए वरदान बन गए। बुद्ध जानो, बुद्ध बुद्ध चंड कौशिया, तुम जानो तुम कौन थे पहले, तुमने कितना क्रोध किया, पहले जन्म को देखो, तुम एक मुनि थे, क्रोध किया, मुनि से सर्प की जोड़ी में आ गए, अब कर रहे हो तो कहाँ जाओगे। जैसे कहा जाति समण ज्ञान हो गया, ओहो मैंने कितना क्रोध किया, शांत हो गया। भगवान भगवान ने कहा शांत, भगवान तो शांत थे। अब कहते हैं उसका चिंतन धारा बदल गई, जो डसता था वो अपनी बम्ब में चला गया और सारे शरीर को बाहर रखा, क्षमा को धारण कर लिया कि अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैंने कितने लोगों को मारा, डंस मारा, लोगों को पता लगा कि अब डसता नहीं है, लोगों ने
चीनी दूध घी उस पर डालने लगे, हजारों हजार चींटियाँ। अब चींटियाँ उसको डसने लगी, एक एक कितना बड़ा सर्फ था, डसने लगी। शांत होकर के अंदर चला गया तो बहुत शांत रहा, बहुत शांत रहा। अंतिम देवलोक में गया, कहते हैं आठवें देवलोक, कोई कहते बारहवें देवलोक में। भाई सर्प की गति नरक की होती है, भगवान के उपदेश से क्षमा के धारण करने से वो देवलोक में गया। तो जब भी कोई क्रोध का प्रसंग आए, हमें शिक्षा मिलती है कि उस समय शांत होकर के, मौन होकर के अपने को देखना चाहिए कि मैं क्या किया और क्या नहीं किया। अक्रोध से क्रोध को जीतना चाहिए, कृष्ण कहते हैं प्रेम से क्रोध को जीतना चाहिए। पुराण में आता है गुस्सा उत्पन्न हो तो बैठ जाओ, शांत हो जाओ, लेट जाओ। क्रोध का सबसे बड़ा उपचार है विलंब हो, देर कर दो, गुस्से में गिनती गिनो। क्रोध को पी लेना वास्तविक बलवान होता है। आवत गाली एक है पलटी, उल्टी होत अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक किए। किसी ने गाली दी, तुमने गाली दी, उसने गाली दी, हजार गुना बढ़ जाती है। जो गाली दी उसको वापस ले लो और एक की एक रह जाती है। आपने देखा श्री कृष्ण ने शिशुपाल को कहा कि 100 गलतियां करेगा, 100 अपराध करेगा तो मैं माफ कर दूंगा, 100 के बाद अपराध किया तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। शिशुपाल कृष्ण को इतना उत्तेजित करता है, निंदा करता है, विरुद्ध बोलता है। कृष्ण गिनते रहते हैं, आखिर जब 96 अपराध कर लिए, कृष्ण ने कहा 3 अपराध रह गए, फिर मैं तुझका छोड़ूंगा नहीं, देख ले। पर अब उसकी आदत पड़ गई थी कृष्ण की निंदा करने। जब 100 बार उसने अपराध किए तो शिशुपाल को पहले ही वार में, पाताल में पहुंचा सकते थे, परंतु परम पुरुष ऐसा नहीं करते। तीव्र से तीव्र आघात को भी सहन कर लेते हैं, मन को शांत रखते हैं। फिर 100 अपराध करने के बाद कृष्ण ने शिशुपाल को अपने सुदर्शन चक्र से घात कर दिया। तो हम देखते हैं कि जीवन में कई बार प्रसंग आते हैं आपके और सामने, उसको कैसे शांत करना चाहिए, कैसे उसको बदलना चाहिए। आपने सुकरात का नाम सुना होगा। सुकरात एक महान ज्ञानी आत्मा, पश्चिम के बहुत विद्वान। सुकरात लोगों को बैठ करके उपदेश देता, उसकी पत्नी जेनेथेपा बहुत ही क्रोध स्वभाव की थी, चिड़चिड़ी रहती थी, गाली निकालती थी, बुरा भला कहती थी। सुकरात शांत रहते थे, कुछ नहीं कहते थे। सुकरात एक बार बाहर लोगों से बात कर रहा था, पत्नी को गुस्सा आया, गाली निकालने लगी, सुकरात फिर भी शांत रहे। अंदर से आई, घड़ा पानी का भरा, उसके सिर पे मारा, उसको चोट लगी। सब लोग देख रहे, सुकरात के मित्र देख रहे, सुकरात पर भी शांत रहे। शांत रहने पर घड़ा पानी का सिर पे पड़ गया, चोट लगी, सुकरात पर भी शांत। सुकरात कहते हैं इसने अपनी प्रकृति से कार्य किया, कोई बात नहीं। पहले बादल गरजते हैं फिर बरसते हैं, पहले ये गरजी अब इसने मेरे पर बरसा कर दी, फिर भी शांत रहे। तो कहते हैं सुकरात ने किसी से पूछा कि शादी करनी चाहिए, लोगों ने पूछा शादी करनी चाहिए, सुकरात ने कहा जरूर करनी चाहिए। तो लोगों ने कहा आप कहते शादी करनी चाहिए, यानी थे पा आपकी पत्नी कितनी क्रूर स्वभाव वाली है, तुम कहते शादी करना चाहिए। देखो शादी यदि मेरी जैसी पत्नी मिल गई तो आपका वैराग्य हो जाएगा, और अच्छी मिल गई
तो प्रेम का संबंध हो जाएगा, शादी कर लो या हर जाए। ऐसे सुकरात थे, ऐसे उनकी हर बात में सत्य की बात करते थे, प्रेम की बात करते थे, मैत्री की बात करते थे। तो हम अपने जीवन में देखें, गुस्सा आता है, क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, लोभ भी है। कहाँ कहाँ कितना मान करते हैं माया को। तो उस पर विचार करो, चिंतन करो। आज का दिन मेरे लिए, आपके लिए आलोचना, प्रतिकरण, प्रायश्चित का दिन है। आपको पता होगा, एक बहन साधिका पिस्ता भाई, पिस्ता नाम था ना, पिस्ता भाई गन्ना, उसका संतारा चल रहा था बड़ोदरा के अंदर। 21 दिन का तो उपवास किया था उसने पहले, और 40 दिन हो गए। पता लगा कि सुबह लगभग 61 दिन के अंदर संतारा सीज गया। हम आपको बुला रहे थे सुबह 6 बजे, और उस बहन को संतारा कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। 21 दिन का तो उपवास था उसका, और पैरालिटिक अटैक था। और कई बार हम गए, माँ साध्वी जी गए, शुभ मुनि गए, हमारे शौर्य मुनि भी सुना के आए, सुदेश मुनि जी भी जाके आए, पर वो वेदना बहुत थी उनको, कहती वेदना बहुत होती है। तो श्री मुनि ने कहा, आपने पारना करना है? नहीं, पारना नहीं करना। सब ने कहा अपने वचन पर दृढ़ रही। तो आज देखो, आज का दिन देखो, बरसात हो रही, संतारा उनका सीज गया। 2 महीने किसे कहते हैं, कितनी वेदना होती। तो आज हमें भी इस अवसर पर आप भी चिंतन करो। श्रावक का मनोरथ है अंतिम समय समाधि मरण आए, साधु का तीसरा मनोरथ और श्रावक का तीसरा मनोरथ क्या है? हे प्रभु, अंतिम समय मुझे समाधि मरण, ये भाव रखना, भीतर भाव रखना। और समाधि मरण आ गया तो भाव से भव कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं भाव, और गति सुधर जाती है। और कितने कर्मों की निजरा कर लेती है वो जीव, कितने कर्मों की निजरा। यहाँ भी एक गन्ना परिवार में भी संतारा हुआ 7 दिन का, बहुत शांति से उन्होंने संतारा ग्रहण किया। और भी कई लोगों ने, पर कई बार संतारा आयुष कर्म बलवान हो तो परीक्षा भी होती है, पर परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाते हैं वो अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं। हम भी अपने जीवन में, ये मानव का जीवन अनमोल जीवन मिला है, बार बार नहीं मिलता। पता नहीं मेरा और आपका कितना बड़ा पुण्य है, और पुण्य की कतारों की कतारें लग जाएं तो भगवान की वाणी मिलती है। इस पंचम काल में मैं अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की वाणी मिली, जो शुद्ध वाणी, पवित्र वाणी, जिससे सभी तीर्थंकर भगवंत केवली हुए, सिद्ध हो गए, वही वाणी, उसी वाणी को तुम जी लो और मैं जी लूं, मेरा भी कार्य सिद्ध हो जाएगा और आपका कार्य सिद्ध हो। उसके लिए क्या करना, समय निकालो, 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए निकालो। यूट्यूब में वाणी है, वाणी सुनो। अभी शिविर लग रहे हैं दिसंबर में, 10 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 21 दिन का शिविर होगा। ऑनलाइन पर शिविर लग रहे हैं, आप ऑनलाइन पर शिविर भी करवा सकते हो। यहाँ ऑनलाइन पर 20 दिन का शिविर वो नासिक सरस्वती विद्या केंद्र में होगा, और आदिश्वर धाम कुपकला में होगा। बाकी 4-4 दिन के भी शिविर होंगे, 10 दिन के भी होंगे। दिल्ली में भी शिविर लग रहा है, जम्मू में भी लग रहा है, बठिंडा में भी लग रहा है, और भीलवाड़ा में भी लग रहा है, दुर्ग में भी लग रहा है। ऑनलाइन पे शिविर आजकल कुछ करना नहीं पड़ता, आप ज्वाइन करो, ऑनलाइन पे बैठो। और आजकल तो शिविर में अमेरिका, कनाडा, सब जगह डिमांड आ रही है। हमारे रविंद्र भाई ने पुरुषार्थ किया, कोमल बहन उनके घर में
16 लोगों ने शिविर किया, 3 घंटे का शिविर, उनकी दोबारा डिमांड आ रही। यदि आपके परिचित विदेशों में भी कोई लोग हैं, उनको प्रेरणा दीजिए, और वो लोग बहुत चाहते हैं, उनकी बड़ी जिज्ञासा है, उनके मन में कोई भेदभाव नहीं, कौन स्थानकवासी है कि मंदरवासी है। हमारे यहाँ तो फिर भी भेदभाव, स्थानकवासी तेरा पंथी, मेरा पंथी तेरा पंथी, हम इसके चक्कर में ही रहते हैं और सत्य को भूल जाते हैं। वो लोग बड़े सीधे सरल होते हैं और वो नियमों का पालन करते हैं। तो विदेशों में भी शिविर लग सकते हैं, यदि आपका कोई आप सहयोग देना चाहते हैं, आप अपने माध्यम से किसी को संदेश देना चाहते हैं, वो भी शिविर लग सकते हैं। और यहाँ लगाना चाहते हैं तो नासिक में सरस्वती विद्या केंद्र बहुत सुंदर केंद्र बन गया। शांति भाऊ शांतिलाल जी बैठे हैं यहाँ, ये हमारे सरस्वती विद्या केंद्र को बनाने में सबसे बड़ा शांति भाव का योगदान है। हम स्थानक में बैठे थे, चतुर्मास कर रहे थे, हमें अज्ञात शक्ति कहो, माता की कृपा समझो, हमें कहा गया किस पहाड़ी पे जगह ले लो। हमारे कोई भाव नहीं था, कोई भाव नहीं था। तुम चतुर्मास कर रहे थे, वो खिड़की थी, शांति भाव को बोला, शांति भाव, इसको हम शांति भाव कहते हैं, शांति भाव वो पहाड़ी पे जगह है, वो देखो मिल सकती है। इसने कहा ये आदमी बहुत पुरुषार्थी है, जिस काम को लग जाए फिर पीछे लग जाता है। ढूंढा, इसकी जमीन थी, ठक्कर को बुला के लाया, भाव किया। उस समय कहता एक एकड़ के डेढ़ लाख लूंगा। इसने कहा तुम गुरुजी के पास चलो, बातचीत करते हैं। हमारे पास आया, हमने कहा भी धर्म का काम है, 1,15,000 में बात बनी, और 11.25 एकड़ जगह थी ली। कितने साल हो गए शांति भाव? 22 साल हो गए जगह। और हैं 25 साल चतुर्मास में लिया था आपको पता। और उस बाद में इन्होंने ही खड़े होकर के उस जगह के अपने भतीजे उनको कहा बनाई, हम वहाँ 3-4 बार रहे, 2-2 महीने रहे। वो जगह बहुत पवित्र जगह है, गजपंथ कहते हैं, कहते हैं बलभद्र मुनि वहाँ निर्वाण प्राप्त हुई, दिगंबरों की ऊपर पहाड़ी है, भगवान पार्श्वनाथ की माता पद्मावती की खड़ी प्रतिमा है, बहुत सुंदर रमणीय वातावरण है। हम तो बहुत बार गए, वो पूरी भूमि बन गए और हर महीने शिविर लग रहे हैं। देखो पहले हमें कहना पड़ता था, शिविर लगते थे, लोगों को प्रेरणा दो, भाई आओ, कहाँ शिविर लेना है, किसी को बिठाएं कैसे, किसी को कैसे प्रेरणा दें, भाई तुम भोजन की व्यवस्था करो, तुम जगा दो, ये करो। और धर्म का बल देखो, हम यहाँ बैठे हैं, 4 साल पूरे हो गए, 25 दिसंबर को हम आए थे कोरोना काल में, और ये जगह भी बहुत छोटी सी जगह, इतनी जगह में बैठे थे। ये रविंद्र जी सुशील जी ने बड़ी जगह कर दी है, और वो जो किचन बना दी 3 ब्लॉक का एक कर दिया, और आत्म ध्यान फाउंडेशन ने इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। सुशील जी हमारे बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है, इनके माता जी भी बैठे हैं पास में, लता जी भी बैठे हैं, इनका बहुत बड़ा सहयोग है, अरविंदर जी का पूरा सहयोग है इसको बनाने में करने में। अरविंदर जी चाहते हैं ये ध्यान का प्रचार प्रसार विदेशों में भी हो, और एक शिविर लग चुका है और दूसरे शिविर की भी उनकी डिमांड आ रही है, और वो केंद्र बना, अब वो फलीभूत हो गया और हर महीने शिविर लगते। माँ साध्वी निर्मला जी महाराज साहब ने 5 महीने का चतुर्मास किया, उनको हार्ट की प्रॉब्लम आई, ऑपरेशन हुआ, और भी बहुत साधु साध्वी आते हैं जाते हैं, लोगों का मन लगता है, ऐसी पवित्र जगह बन गई है, वो हर महीने शिविर लग रहे हैं। इसलिए अशोक जी बैठे हैं, उनका भाई बाबू बैठा है, मैं इनको भी कहता हूँ भाई तू अमेरिका में जाना तो जा, शिविर कर, तेरा कल्याण हो जाएगा, कल्याण तो यहीं से होना है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, जितना मर्जी घूमाओ कराओ।
तो बहुत सुंदर वातावरण है, और जिन जिन में इनमें सहयोग दिया है वो साधुवाद के पात्र हैं, जिसने साधना में, साधना करने में, कराने में और जो बनाने में, देखो अरम शरम तो होता है, यहाँ हम बैठे इतनी जगह में थे, अब इसको बड़ा किया, अब ये इतनी जगह होती तो हम प्रवचन भी नहीं कर सकते थे, वहाँ जो खाने की जगह बैठी, आप लोगों ने ट्रस्टी बने, पैसा दिया और भोजन की व्यवस्था हुई, ये अरम शरम तो होता है, परंतु इसके पीछे लक्ष्य क्या है कि अधिक से अधिक लोग आए, उनको ठहरने की व्यवस्था मिले। अचानक लोग आ जाते हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, कोई संघ भी नहीं है, पर फिर भी आसपास के लोग बंगले मिल जाते हैं और सेवा हो जाती है, लोग ठहरते हैं, बहुत लाभ मिलता है। तो जिन जिन लोगों ने, प्रेम जी आए हैं, आप आए हैं, इन्होंने भी सेवा की है वहाँ, तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि धर्म का कार्य है, जो भी इसमें सहयोग देता है उसको लाभ ही लाभ होता है। धन का मिल जाना तुम्हारा पुण्य है, और धन को सही जगह खर्च करना, लोग खर्च करते हैं विवाह में, शादियों में, घूमने में, अपने नाम के लिए, पद के लिए, यश के लिए शादी करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, उसका कोई लाभ नहीं, उसका नुकसान ही नुकसान है। पर ऐसे धर्म के कार्य में भगवान की वाणी जहाँ प्रसारित हो, भगवान की वाणी फलीभूत हो, जो भगवान की साधना आई है, जहाँ शिविर लगते हैं, शासन देवों की कृपा होती है, वीतराग साधिका निशा जी साधना करवाती है और आप सब साधना करते हैं, और करने के बाद आपको कितनी शांति मिलती है, कितना आनंद मिलता है। आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं, ब्लिस इज अवर नेचर, पीस इज इनसाइड एंड नॉलेज वी आर, तुम हो, और वो सुख आत्मा में सुख है, शक्ति है, ज्ञान है, सुख आत्मा में है, शक्ति आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है, दर्शन आत्मा में है, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा वो तुम हो। एक आत्मा की साधना, एक जीव को साधो, सब सब जाएगा। इस पंचम काल में बहुत कठिन है साधना देना करना, परंतु अरिहंत परमात्मा की अनंत अनंत कृपा है कि पंचम काल में साधना मिली, और हम यहाँ बैठे इसलिए बैठे हैं कि हमें भगवान की वाणी की साधना मिलती है, और आप सब लोगों का सहयोग है, जो यहाँ के लोग हैं, जैसे रमेश भाई है, रमेश भाई का पूरे परिवार का बहुत सहयोग है, तुलसी भाई है, रमेश भाई है, बीलाल जी है, और गन्ना परिवार है, और क्या नाम है, मेहता परिवार है, बहुत से परिवार है जिनका बहुत बहुत सहयोग है आप लग का। देखो परस्पर उपग्रह जीवानाम, जीवन एक दूसरे के सहयोग से चलता है, हम जीवन को सहयोग से आगे बढ़ाएं। सहयोग कहाँ देना है, धर्म के कार्य में, और धर्म कौन सा धर्म, शुद्ध धर्म, महावीर का धर्म, पवित्र धर्म, आत्मा का धर्म, जिससे स्वरूप का बोध हो जाए। श्रीमद रायचंद कहते हैं, जे स्वरूप समझ्या बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाऊं तो पद नमो श्री सतगुरु भगवान। स्वरूप का बोध, सत्य क्या है, मैं आत्मा, मेरे पास, मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं, सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है। एकदम आपको समझ में नहीं आएगा जब आप इस ध्यान शिविरों में जाकर के शिविर करोगे, महीने में 4 दिन निकालने, अभी 20 दिन का शिविर हो रहा है, यदि आपके पास समय जरूर निकालो, और ऐसे केंद्र पर जाने पर आपकी ऊर्जा बढ़ती है, भगवान की वाणी आती है, और ऐसा सुंदर। आप सबको हमारी यही प्रेरणा है कि आप साधना कीजिए, और आज पक्षी का प्रतिक्रमण है, कल भी हम यहाँ रहेंगे, परसों को प्यार करेंगे, आज भी पूर्णिमा, कल को पूर्णिमा रहेगी 3 बजे तक, 3:30 बजे तक, उसके बाद संत कल विहार करते हैं या परसों करते हैं। आप सब आए हैं, अपने जीवन में साधना को प्रमुखता दो, अपने जीवन को साध, और ये साधना जो महावीर की साधना, महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु ये साधना अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की अनंत कृपा से, कहाँ महाविदे, कहाँ भरत क्षेत्र, हजारों लाखों मीलों की दूरी,
और कैसे साधना आ जाती है। ये तुम्हारा कोई अनंत पुण्य था और इसमें सहयोगी है शासन देव और वीतराक्षादिका निशा जी का अनंत अनंत सहयोग है। इस सहयोग में आप लाभ ले लीजिए। शांति बाहु शिवर कर ले, बाकी सब कुछ प्राप्त कर लिया। प्रेम जी आप भी डूब जाओ, कर लो, इसके ऊपर कुछ नहीं है। आप योगा करवाते हैं लोगों को, फिजिकल फिटनेस देते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर सबसे ऊपर है अपने को समय देना। जीव यानी आत्मा को समय दे। जीव आत्मा क्या है? आत्मा दिखाई देती है क्या? कई बार मैं बोल चुका हूं, जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। जिस्म ये शरीर और रूह यानी आत्मा, जिस्म और रूप का अजीब रिश्ता है दोस्तों। उम्र भर साथ रहे मगर मुलाकात ना हुई। जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। ये रूह आत्मा, रूह कहो, सेल्फ कहो, सोल कहो, आत्मा कहो, अप्पा कहो, कुछ कहो, वो कहां? तुम्हारे भीतर। जिसने शरीर, शरीर मिलेगा मिटेगा, ये शमशान की राख बनेगा। अनंत बार शरीर मिला, अनंत बार तुम्हें सुख मिला, पर आत्मा वो तुम्हारे भीतर, सिर के सिरे से पाम की अंगूठी तक, उस आत्मा में अष्ट गुणों की संपदा। सबके पास वही संपदा, समान गुण धर्म, तुम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते। ऐसी साधना जो पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की कृपा से मिली। विचार करना, चिंतन करना, जो प्रेरणा, सात जगह शिविर लग रहे, अमेरिका, कनाडा, सब जगह शिविर लग रहे। रविंद्र जी की भावना है कि सब जगह शिविर लगे, बहुत भावना है, और उपयोग करते हैं। सुशील जी अपने जीवन को तन मन धन समर्पित कर रखे। कोई बात कही सुशील जी, ये काम करना है, बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कहाँ से जुगाड़ करते हैं, कहाँ से बुलाते हैं, क्या करते, पूछो। ऐसी माँ ने बेटा पैदा किया है, हम माँ को नमन करते हैं, ऐसी माँ को नमन करते हैं, ऐसे बेटे को जिसने धर्म के लिए कार्य किए। हम और प्रशंसा नहीं करते, जो धर्म के लिए सहायता देता है, अपना तन मन धन लगा, वो साधुवाद के पात्र है। आप सब साधना करो, जीवन को आगे बढ़ाओ। पता नहीं किसका क्या काल है। अशोक जी आए हैं, इनके पिताजी सुमेरमल जी बैठे हैं यहाँ, बहुत साधना करते थे। इनकी माता जी आते थे, आज भी मेरी आंखों के सामने जाते, माता जी आते थे, बड़े हसमुख चेहरा था, हंसते रहते थे और हरियाणी टोन में बोलते थे। पिताजी आते थे, कभी इनकार नहीं करते थे। अब देखो अचानक वो बीमार हुए, हॉस्पिटल में गए, 4-5 दिन में खेल खत्म हो गया। अशोक जी खुद कहते हैं कि मैं उसके चेहरे को देखता हूँ तो ख्याल ही नहीं आता कि यही चेहरा था पिताजी। जीव निकल गया, शरीर रह गया, क्या मूल्य है शरीर का? वही आंखें, वही कान, वही इंद्रियां, सब कुछ है। जीव निकल गया, सब निकल गया। एक जीव जो दिखाई, जब जीव जाता है तो कोई देख नहीं सकता, हजारों लाखों लोग बैठे हैं, वो जीव निकल के चला जाता है, क्योंकि निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। और जहां जाना होता है जीव ने अपने कारमान शरीर को लेकर के अगली गति योनि में, जब महाविधि में तुमने जाना होगा तो जीव कारमान शरीर को लेकर के महाविधि में, जिस माँ की गर्भ में जाना होगा, 2-3 समय में चला जाता, इतनी शक्ति आत्मा में। यदि देवलोक में जाना होगा, देव जोनि चली जाती है, कहीं भी जाना होता है। ये कुछ बातें हैं आपको समझ में नहीं आएगी। नो इंद्रिय गिज्झा अमुत भावा, आत्मा को इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा नहीं जान सकते। भगवान की वाणी, नो इंद्रिय गिज्झा अमुत भावा, इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि आत्मा अमूर्त है, निराकार है, दिखाई नहीं देती, तुम देख नहीं सकते, आंखों से नहीं देख सकते, परंतु अनुभव कर सकते हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर उस आत्मा का एहसास करो और जुबो शांति आनंद प्रेम भीतर उसका अनुभव करो। तो आज चतुर्मास पूर्ण समझो, हम तो कल करना चाहते थे, मेरे पास श्री मुनि जी आए कि आज ही पूर्ण कर दो। मैंने कहा ये मुनि कह रहा है, सोच समझ के कह रहा होगा, मैं कि आज कर देते हैं। आप सब लोग आए हैं, पता नहीं कल कितने लोग आएंगे कि नहीं आएंगे,
इंद्र ऊपर से भी वर्षा हो रही है, आप सब लोगों का स्वागत है जो बाहर से आए हैं। और पक्षी का प्रतिक्रमण हम आज करेंगे, कल भी रहेंगे, परसों को विहार करेंगे। आप अपने जीवन में आज के दिन आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित करो, और जीवन में 2 घंटे अपने को दो, 24 घंटे में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे अपने को दो। और जिन जिन्होंने सहयोग दिया है हमारे यहाँ रहते हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद। ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत। हमारे नरेंद्र भाई और धर्मेंद्र भाई, सुभाष भाई, ये हमेशा आगे पीछे रहते हैं, जो वाणी को फैलाते हैं, इनका तो हम भूल ही जाते हैं, नाम लेना भूल जाते हैं। हर कार्य में आगे रहते हैं, बहुत से रात को 12 बजे बुलाओ, कभी भी बुलाओ, नरेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, सुभाष, बहुत सेवा का लाभ। ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। दो तत्व जुदा जुदा हैं, आकार में निराकार आत्मा, सत्य आत्मा, शुद्ध आत्मा, निर्मल आत्मा प्रत्येक प्राणी के देही में, ये 3.5 हाथ की काया में आत्मा है, आत्म तत्व है। उसको जानो, उसका अनुभव करो। अपने भीतर गहन मौन में चले जाएं। ये साधना मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, केवल अपने को जानो। नो दाई सेल्फ, मैं आत्मा, जानना और देखना, ज्ञाता दृष्टा भाव मेरा धर्म है। मन संकल्प विकल्प करता है, मन के पार चले जाओ, बुद्धि के पार चले जाओ, इंद्रियों के पार चले जाओ।
भीतर मंगल का भाव लाएं। दो तत्व जुदा जुदा हैं, शरीर और आत्मा, आकार और निराकार, देह और जीव, जड़ और जीव, दो तत्व जुदा जुदा है। तुम अपने को जानो, तुम आत्मा हो, निराकार हो, जिसका वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, आत्मा के माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, कुछ नहीं। ये सब शरीर के हैं, और शरीर का जन्म है, मरण है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, वो तुम नहीं हो, तुम आत्मा। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो वज्जायानंग नमो लोय सब साहुनंग धम्म मंगल मुकिटम अहिंसा संयमोतव देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पानतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में प्रण शरण कोई जो भवे प्राणी अजर आम उसका सारा मांग।